इस सप्ताह के अंत में मुंबई के समुद्र तट समेत मुंबई के प्रमुख जगहों पर बीएमसी मार्शलों को किया जाएगा तैयार। मतलब साल के शुरुआती में मास्क न पहनने वालों पर महानगर पालिका सख्त से कार्रवाई करेगी। नए साल के दौरान अक्सर शहर में लोगों की भीड़ बढ़ जाती है, लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ घूमने निकलते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से कोरोना जैसे खतरनाक महामारी के चलते लोगों का हर त्योहार फीका रहा। लेकिन कोरोना के बीते दोनों लहरों के बाद लोगों को थोड़ी राहत मिली थी। सारी चीजें धीरे धीरे पटरी पर भी आती हुई नजर आई, लेकिन कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन दस्तक देकर फिर से एक बार कोरोना की तरह ही दहशत का माहौल बना दिया। मुंबई महाराष्ट्र में लगातार ओमिक्रॉन के साथ ही फिर से एक बार कोरोना का खतरा बढ़ रहा। ऐसे में इन हालातों को देखते हुए कई राज्य में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। वहीं पर अगर मुंबई की बात की जाए तो लगातार मुंबई महाराष्ट्र में भी कोरोना और ओमिक्रॉन के केसेस सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। वायरस के इसी खतरे को कम करने के लिए मुंबई में बीएमसी अब एक्शन मोड पे आ चुका। आपको बता दें, क्रिसमस तो बीत गई लेकिन नया साल अभी बाकी है, इसलिए नए साल के उत्सव के दौरान 48 निरीक्षण दल बनाने की घोषणा के कुछ दिनों बाद बीएमसी ने शहर के सभी 24 प्रशासनिक वार्डों में मार्शलों की तैनाती बढ़ाने का फैसला किया है। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और साथ ही मास्क न पहनने वालों के ऊपर अब निगरानी रखी जाएगी। इन मार्शलों में से अधिकांश को 31 दिसंबर और 1 जनवरी को मुंबई के समुद्र तटों और प्रमुख स्थानों पर तैनात किया जाएगा। इनमें वे स्थान भी शामिल है जहां त्योहारों की छुट्टियों के दौरान भारी मानव यातायात देखा जाता है। न्यूज डेस्क, मेट्रो सिटी समाचार।